Ninja Sensen. हेलो आंटी. हेलो बेटा, कैसे हो? मैं आंटी ठीक हूँ. आंटी आप कैसे हैं? थैंक यू आंटी. हाँ, अरे शर्मा आंटी बता रही थी कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है. क्या हुआ, मिठाई कब खिला रहे हो? हाँ आंटी, शादी की बात तो चल रही है, अच्छे रिश्ते भी आते हैं, लेकिन जब हमारी लड़की से मीटिंग होती है तो लड़की मना कर देती है. क्यों, तुम तो अच्छे खासे दिखते हो यार, कमाते भी अच्छा हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन ये मोटापा, हर लड़की को दोनों ब्रांड जैसा लड़का चाहिए. ये मोटापे की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ आंटी? तुम जिम ज्वाइन कर लो, कुछ योगा वगैरह करा. आंटी मैं जिम करो. आंटी जिम ज्वाइन किया, साइकिलिंग की, योगा किया, रेसिंग की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा आंटी. अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे मिलाओ, मैं कुआरा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ. छोड़ो ये सब बातें, तुम गर्मी से आए हो, क्या पियोगे? आंटी कोल्ड ड्रिंक मिलेगा. कोल्ड ड्रिंक? यस आंटी, कोल्ड ड्रिंक मेरा फेवरेट ड्रिंक है. कोल्ड ड्रिंक तुम्हें रियल में पसंद है? यस आंटी, मुझे जब भी प्यास लगती है तब मैं कोल्ड ड्रिंक ही लेता हूँ. सच में तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगे? यस आंटी. श्योर? यस आंटी, कोल्ड ड्रिंक. अच्छा, अब मैं तुम्हारे को कोल्ड ड्रिंक ही लाके दूंगी. ओके थैंक यू आंटी. आंटी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आंटी, आप तो ये तो शुगर. ये क्या मजाक है आंटी, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक मांगा था आपसे. मजाक? मजाक तो तुम अपने आप से कर रहे हो बेटा. मैंने क्या किया आंटी? बेटा तुम योगा करते हो, तुम जिम करते हो, तुम एक्सरसाइज करते हो, लेकिन तुम्हारा कोई डाइट कंट्रोल तो है ही नहीं. तो आंटी भूख लगेगी तो कुछ खाऊंगा नहीं क्या? प्यास लगेगी तो मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा क्या? हे भगवान, हे भगवान, किस बुद्धू से पाला पड़ा है, किस बुद्धू से पाला पड़ा है? बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या, डाइट कंट्रोल भी वेट रिडक्शन प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है. ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता आंटी. ओ बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो, पसीना क्या चाहे, यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो. तब्बू बेटा, अब हम 8 चम्मच चीनी का रहस्य डॉक्टर आर से समझेंगे. डॉक्टर आर, खुल जा सिंसे. Oh, guys, you're here. Hello. How are you? डॉक्टर आर गुलजार सिंह सिंह के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है. गप्पू की कहानी हमारे देश के घर घर की कहानी है. आइए गप्पू की केस स्टडी करते हैं. गप्पू का कहना है कि उसका मोटापा कम नहीं हो रहा. तो आखिर मोटापा क्या है? मोटे मच्छी मोटे, मोटे मच्छी मोटे, मोटे मच्छी मोटे, मोटे मच्छी मोटे, मट्टी मट्टी मट्टे, मट्टी मट्टी मट्टी. किसी भी व्यक्ति के हाइट और वेट का एक बैलेंस होता है, और यदि ये बैलेंस वेट की तरफ चले जाए तो हम उस व्यक्ति को मोटा कह सकते हैं. मोटापा किसी भी व्यक्ति के मसल, बोन और फैट का संयुक्त परिणाम है. ज्यादातर युवकों में चर्बी की अधिकता ही उसे मोटा बनाती है. फिजिशियंस और डाइटिशियंस के रिकमेंडेशन के अनुसार हमारे दिन भर की टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट का केवल 10% ही हमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स के रूप में लेना होता है. ये एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स वो मिठास है जिसे हम किसी भी खाद्य पदार्थ में उसे मीठा बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम प्योरली शक्कर या चीनी कह सकते हैं. एक पुरुष की दिन भर की कैलोरी रिक्वायरमेंट का केवल 150 किलो कैलोरीज ही एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स के रूप में होना चाहिए. इसको यदि हम वजन के रूप में देखेंगे तो यह होगा 37.5 ग्राम्स, और यदि
किचन की मापक प्रणाली के रूप में हम देखना चाहेंगे तो ये होगी 9 चम्मच चीनी के बराबर। गप्पू का दूसरा प्रॉब्लम है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, वो जिम कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, लेकिन उसका वेट कम नहीं हो रहा। कारण आप जानना चाहेंगे? इस बात को समझिए कि हमारे शरीर में जो चर्बी है वो हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो डायरेक्ट फैट मील से, यानी ऐसे सभी खाद्य पदार्थ जिसमें बटर, ऑयल या घी शामिल है, वो डायरेक्टली आपके शरीर में चर्बी के रूप में डिपॉजिट होते हैं। और दूसरा तरीका है एक्स्ट्रा शुगर का लेना। आप मिठास संबंधी कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी ड्रिंक आप लेते हैं, तो ये आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी डिपॉजिट करती है। और यदि इस कैलोरी का पूरा कंजम्पशन आप नहीं कर पाते हैं तो ये कैलोरी अल्टीमेटली फैट के रूप में आपके बॉडी के शरीर में डिपॉजिट हो जाती है और आपको मोटा बना देती है। आइए गप्पू का डाइट चार्ट देखते हैं। गप्पू 24 घंटे के अंदर यदि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीता है तो इस कोल्ड ड्रिंक की अंदर युक्त कैलोरीज को यदि हम शुगर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगी 8 चम्मच चीनी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 चम्मच चीनी का क्या रहस्य है, यानी इस कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास को पीने से गप्पू ने केवल 10 मिनट के अंदर 8 चम्मच चीनी का सेवन कर लिया। उसका डेली इंटेक है 9 चम्मच चीनी का। तो सोचिए अगले 23 घंटे 50 मिनट के अंदर यदि वो जूस का एक गिलास और पी लेता है, वो एक गिलास दूध पी लेता है जिसमें शुगर मिली हुई है, वो शाम को एक कप चाय पीता है जिसमें कुछ शुगर एडेड है, वो मिठाई का एक पीस ले लेता है, वो चॉकलेट खा लेता है, वो एक कॉफी पीता है रात में सोने से पहले, या अपने दोस्तों के साथ में यदि वो कुछ आइसक्रीम खा लेता है, तो पूरे दिन भर का उसका टोटल एक्स्ट्रा एडेड शुगर कितना हुआ? आप ताजुब करेंगे, ये 20 चम्मच चीनी से भी आगे हो जाता है। यानी एक दिन के अंदर गप्पू ने एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स का 9 की जगह 11 चम्मच उसने एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स ली। दिन की एक या दो घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज या ट्रेनिंग से वो इस 20 चम्मच शुगर को बर्न नहीं कर सकता। उसका योगा, उसका फिजिकल ट्रेनिंग, उसकी एक्सरसाइज, उसका जिम उसकी पुरानी चर्बी को तो हटाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके डाइट के गलत चार्ट की वजह से उसकी नई चर्बी ऐड होती चल जाती है और परिणाम स्वरूप उसका वेट लॉस नहीं हो पाता और वो गप्पू गप्पू ही बना रह जाता है। तो दोस्तों हमारे दिन भर की बैलेंस डाइट के अंदर एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स का चुपके चुपके हमारे शरीर में डिपॉजिट होकर चर्बी के रूप में आना ही हमारे मोटापे का कारण है। तो यदि आप मोटे हैं, आपकी हेरिडिटरी मोटापे होने की है, यदि आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपके डेली इंटेक ऑफ एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स शुड बी समवेयर अराउंड 0। जी हां, जो डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट डाइटिशियन से उनका कहना है कि हमारे पूरे दिन भर की कैलोरीज में एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। आप दिन भर में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में काफी कुछ अपने फूड मटेरियल से, वेजिटेबल से, मील से, फ्रूट से ले लेते हैं और आपको ये एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स नहीं चाहिए। तो दोस्तों गप्पू जैसे सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि इस हेल्थ टिप को जरूर ध्यान से देखें, समझें और अपने डाइट चार्ट को आज ही ठीक करें। अच्छा गप्पू बेटा, कुछ समझ आया अब तुम्हें? जी आंटी, बिल्कुल समझ आया। डॉक्टर आर ने मुझे पूरी तरह से समझा दिया है कि किस तरह एक्स्ट्रा शुगर मेरा मोटापे का कारण बनी हुई थी
आज से एक्स्ट्रा शुगर बंद। बहुत अच्छे पप्पू बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू आंटी। अच्छा पप्पू बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए, ये 8 चम्मच चीनी का कोक या ये फ्रेश लेमन जूस? क्यों आंटी शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझे अब लेमन जूस ही चाहिए, आगे से मैं अब लेमन जूस ही पीऊंगा। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू आंटी। इसमें सिर्फ है 1 चम्मच चीनी। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को दबाना ना भूले। लाइक और अपने कमेंट्स यहाँ नीचे अपने व्यू बॉक्स में डालें। और हाँ, अगले एपिसोड को देखना ना भूलें। आपको किसी भी और मेडिकल इंफॉर्मेशन के रहस्य से पर्दा उठाना है तो जरूर लिखकर भेजें। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। आशा करता हूं अगले एपिसोड तक आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। स्वीटी आ गया है तुम्हारा जोनब ब्राउन। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो।